नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले एसिड के बारे में। जी हाँ, यह एसिड तीन प्रकार के होते हैं, यूमिक एसिड, एमिनो एसिड एवं फुलविक एसिड। तो ये किस प्रकार से हमारी फसलों को हेल्प करते हैं और इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आइए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूमिक एसिड के बारे में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यूमिक एसिड नॉर्मली मार्केट में अलग अलग परसेंटेज में मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है 98%। और 98% जो यूमिक एसिड होता है वो पोटेशियम यूमेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हमारे यूमिक एसिड प्राप्त होता है वो रॉक से प्राप्त होता है, और अगर डायरेक्ट हम यूमिक एसिड पानी में घुलेंगे तो वो पूरी तरीके से घुलेगा नहीं। इस कारण से इसे पोटेशियम के साथ में रिएक्ट किया जाता है ताकि ये पानी में आसानी से घुल सके। जब हमें यूमिक एसिड प्राप्त होता है वो 100% ऑर्गेनिक होता है, लेकिन उसे पोटेशियम के साथ में रिएक्ट किया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा, इसलिए उसमें कुछ परसेंट केमिकल की मात्रा ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से यूमिक एसिड हमें प्राप्त होता है। यूमिक एसिड का अगर हमारी फसलों में उपयोग की बात करें तो सबसे पहला तो ये वाइट रूट जोन को इंक्रीज करता है, अगर हम इसे ड्रिप से उपयोग करते हैं तो। उसी के साथ में मिट्टी में ये पोषक तत्वों को संग्रहित करके रखता है, जो पौधे को जैसे जैसे आवश्यकता होती है पौधा इसे लेते जाता है, और इसी के साथ में जैसे मिट्टी में जो एक्सेस में पोषक तत्व पड़े हैं उन्हें उठाकर पौधे को देना, ये भी इसका मुख्य काम होता है। इसी के साथ में यूमिक एसिड पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है, जिसके कारण पौधे में ग्रीनरी बढ़ती है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी बढ़ावा होता है। इस प्रकार से अगर यूमिक एसिड की बात करें तो ऑल ओवर वेजिटेटिव ग्रोथ में पौधे में हेल्प करता है। अब हम चर्चा करेंगे एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड भी किसान भाइयों पौधे की दोनों स्टेज में काम करता है, चाहे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ले लीजिए चाहे वेजिटेटिव ग्रोथ ले लीजिए। अगर हमारे पौधे में हाइट कम है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, नंबर ऑफ फ्रूट कम है, नंबर ऑफ फ्लावरिंग कम है, तो इस स्थिति में हम एमिनो एसिड का उपयोग कर सकते हैं। एमिनो एसिड आपके पौधे की हाइट भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बढ़ाएगा, और उसके साथ में फूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी करता है। एमिनो एसिड आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी काम करता है। इस प्रकार से एमिनो एसिड हमारी फसलों में लगभग हर स्टेज पर काम करता है, तो हम इसे किसी भी अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा एसिड है फुलविक एसिड। फुलविक एसिड हमारी फसलों में मुख्यतः पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एवं वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों में यह भी मदद करता है। लेकिन इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किसान भाई फ्लावरिंग स्टेज पर करते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर करने का इसका उद्देश्य यही रहता है कि नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ाता है, साथ ही साथ कन्वर्जन में भी काम करता है, फूल को फल तक ले जाना और फल के साइज और साइनिंग पर भी काम करता है। इस प्रकार से तीनों पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें बायोस्टिमुलेंट के नाम से भी जाना जाता है, और आप इन तीनों एसिड का उपयोग फसल की किसी भी अवस्था पर कर सकते हैं। अगर यूमिक एसिड की बात करें तो यूमिक एसिड से सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है ताकि पौधे का जर्मिनेशन अच्छा हो और शुरुआत में ही पौधे की जो वाइट रूट जोन है काफ़ी मजबूत बन सके और पौधा मजबूती के साथ आगे बढ़े और वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से कर सके। इसी के साथ में हम इन तीनों जो एसिड हैं, अभी कुछ कंपनियां ऐसी है जो इन्हें कॉम्बिनेशन में देना स्टार्ट किया है, यूमिक एसिड, एमिनो एसिड एवं फुलविक एसिड तीनों का कॉम्बिनेशन आता है लिक्विड में। आप इन्हें ड्रिप से भी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ स्प्रे में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप से इनका उपयोग करना चाहते हैं तो 500 ml प्रति एकड़ की दर से इनका उपयोग किया जाता है। स्प्रे में अगर आप ले रहे हैं तो 40 से 50 ml प्रति 15 L की दर से आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर हम यूमिक एसिड की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियों का ग्रेनुअल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, 98% में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनके देखने के मिलेंगे। और अगर एमिनो एसिड की बात करें तो सिंजेंटा कंपनी का ईसा बियान होता है जिसमें एमिनो एसिड होता है, और भी काफ़ी सारी कंपनियों का आता है एमिनो एसिड, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अभी कुछ कंपनियों ने 80% में एमिनो एसिड पाउडर फॉर्म में भी देना स्टार्ट किया है, जैसे वनिता कंपनी का आता है और भी काफ़ी सारी कंपनियों का आता है, मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं, आपको अगर लगे तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप फुलविक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको कॉम्बिनेशन में मिल रहा है तो अच्छी बात है, या फिर आप अलग अलग लेकर भी इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका उपयोग सही समय से करते हैं तो हमारी फसलों में काफ़ी अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।